फिर से देवरिया को चीनी का कटोरा बना करके यहाँ के किसानों की आमदनी और यहाँ के नौजवानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम करेंगे। शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक शुगर पूरा कॉम्प्लेक्स। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश की इसी देवरिया जनपद में लगी थी, प्रतापपुर की 1903 में, 120 वर्ष पहले। और भाइयों बहनों, 120 साल के बाद देवरिया को पिछली सरकारों ने आज कैसे, आज जो चीनी का कटोरा था उसको अपनी कुत्सित राजनीति से एक कड़वाहट में बदलने का काम किया था। याद करिए भाइयों बहनों, क्या स्थिति बन गई थी। ये लोग किसी के सुख दुख में तो भागीदार नहीं बन सकते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। चीनी मिले औने पौने दाम पे बेचती थी। लेकिन आज हमने तय किया है बेतालपुर में, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन देगा, पूरा शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, चीनी मिल भी लगेगी, इथेनॉल प्लांट भी लगेगा, डिस्टिलरी भी लगेगी, कोजन प्लांट यानी पावर जनरेशन, बिजली का उत्पादन भी वही होगा। और फाइन शुगर बनाएंगे, फाइन शुगर जितनी आवश्यकता होगी हम उपयोग करेंगे, बाकी चीनी दुनिया के बाजारों में जाएंगे, देवरिया का नाम आएगा, लोग बोलेंगे देवरिया। दुनिया के अंदर कोई भी देवरिया का होगा, जब वो देवरिया के अंदर उस चीनी को देखेगा, गौरव से उसका छाती चौड़ी होगी, कहेगा वाह, हमारा अन्नदाता किसान जो गन्ना उत्पादन करता है उसकी चीनी हम लोग अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी बैठ करके पी रहे हैं।